कश्मीर में इलेक्शंस की बात चलती है तो हर एक की जुबान पर यही आता है कि कब इलेक्शंस होंगे। यहां पर आए दिन इस तरह की चर्चाएं आम है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक हमेशा हमने सुना है कि इलेक्शन अगले महीने होंगे, इलेक्शन अगले साल होंगे, लेकिन कब होंगे अभी तक ये पता नहीं है। जेके न्यूज टुडे आप देख रहे हैं और जेके न्यूज टुडे पर आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्शंस के लिए यहां पर क्या क्या तैयारियां की जा रही है। अगर यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टीज ये कह रही है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आए दिन ये बयाना देती है कि ये सारा कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मनसर है। यहां पर फारूक अब्दुल्ला जो बड़ी जमात के सरबरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमने फारूक अब्दुल्ला से बात की और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहां पर 3 तारीख यानी कि अक्टूबर 3 को यानी कि अगले महीने की मैं बात कर रहा हूं, एक मीटिंग बुलाई गई है जो ऑल पार्टी मीटिंग कहलाएगी और यहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में ये मीटिंग जम्मू में बुलाई गई है और इसमें एजेंडा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस क्यों नहीं होते हैं, इसी पर चर्चाएं होगी। अब देखने वाली ये बात होगी कि कौन कौन सी पार्टी इस मीटिंग में शमूलियत करती है। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में ये मीटिंग 3 अक्टूबर जम्मू में बुलाई गई है जहां पर पूरी तरह से इसके लिए चर्चा होगी, डिस्कशन होंगे सब पार्टी लीडरान से कि यहां पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर क्यों नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए चर्चा की जाएगी और आइंदा की लाह हमले भी तैयार की जाएगी। यहां पर आज भी हमने देखा कि डीसी ऑफिस में एक मीटिंग तलब की गई थी जिसमें यहां पर जो हतमी शक्ल है यहां पर पोलिंग स्टेशन की वो दी गई, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे पोलिटिकल लीडर्स के जो डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट है वो यहां पर एब्सेंट रहे, लेकिन कुछ पार्टीज जिनमें बीजेपी और दीगर पार्टीज शामिल है वो यहां पर आए और उस मीटिंग में शमूलियत की। इलेक्शंस एक सवाल या चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, पिछले 4 सालों से जायद वक्त जो है वो बीत गया है लेकिन अभी तक यहां पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हर एक की जुबान पर यही है कि यहां पर यूएलपी असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस कब होंगे। अब सब कुछ मुनसर है कि इलेक्शन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए आने वाले दिनों में क्या ऐलान करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर दिल्ली में आए दिन हम देखते हैं कि इस पर मीटिंग्स हो रही है और मीटिंग्स में पिछले कई एक दिनों से ये भी विमर्श चल रहे हैं कि यहां पर अभी कोई इलेक्शन नहीं होगा, खाली पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में होगा। ये कहां तक सदाकत है हमें भी पता नहीं है, लेकिन यहां पर ये खबरें जो है गश्त करती हुई नजर आ रही है। अब 3 तारीख आने वाली है, फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में यहां पर जम्मू में मीटिंग होगी। ये सारी मीटिंग का जो एजेंडा है वो यही होगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर दूसरा ही जेके न्यूज़ रिसर्च।